सख्ती की कर लेते हैं, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता टेकचंद ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा उन्होंने दिया है। जयपुर विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे थे, और देखिए ये खबरें लगातार सामने आ रही है क्योंकि नाराजगी का दौर चल रहा है। जयपुर विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे और ऐसे में अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जयपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव वो लड़ेंगे। दो बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। कांग्रेस ने बालेश्वर साहू को जयपुर से प्रत्याशी बनाया, उनको टिकट नहीं मिला, जिसके चलते वरिष्ठ नेता टेकचंद ने अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुश्ताक, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है वरिष्ठ नेता टेकचंद ने, और अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सख्ती जिले के ये जयपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं टेकचंद चंद्रा, दो बार लगातार जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। और जयपुर विधानसभा की बात करें तो वहां से बसपा के जो प्रत्याशी हैं केशव चंद्रा, वो विधायक रहे हैं, और कहीं ना कहीं चंद्रा समाज का जो वोट बैंक है वो काफी ज्यादा जयपुर क्षेत्र में है। और ऐसे में टेकचंद चंद्रा को जो कांग्रेस के नेता है उसको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो इस बार उनको विधानसभा का टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस ने बालेश्वर साहू को वहां से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद एक राजगी है वो देखी जा रही थी। और आज जो है टेकचंद चंद्रा ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और सीधे तौर पर अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात जो है टेकचंद चंद्रा कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस को लगते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल, वरिष्ठ नेता टेकचंद अब निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे, ऐसे में थोड़ा बहुत वोट बैंक प्रभावित कर सकते हैं, कांग्रेस बीजेपी के लिए थोड़ी बहुत मुसीबत सामने खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।